dear children and my dear students of Marwari College Intermediate Section Commerce Department, आप सबों का इस क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में आज राष्ट्रीय स्कंद विपणी लिमिटेड को हम लोग जानेंगे। राष्ट्रीय स्कंद विपणी लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में NSE लिमिटेड कहते हैं, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय स्कंद विपणी लिमिटेड की को केंद्रीय सरकार ने मान्यता 26 अप्रैल 1993 को प्रदान की। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसने जून 1994 से ऋण बाजार क्षेत्र तथा नवंबर 1994 से पूंजी बाजार क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया करने का काम किया। इस विपणी की स्थापना का उद्देश्य विपणी बाजार को पेशेवर बाजार की ओर ले जाना तथा जिसके लिए विपणी में अंतरिक्षी संदेश वाहन प्रणाली को अपनाना जाया। इसमें विपणी के सदस्य मेंबर ऑफ द NSE जो देश के भिन्न भिन्न शहरों में अपने अपने दफ्तरों में बैठे हैं, एक दूसरे से BSAT संचार माध्यम से व्यापार अर्थात प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय करते हैं। यह सभी सदस्य मुंबई में स्थापित अपने विपणी के दफ्तर में कंप्यूटर के माध्यम से कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्कंद विपणी ने आदेश प्राप्ति प्रणाली ऑर्डर ड्राइवन सिस्टम को अपनाया है। जब कोई सदस्य अपने ग्राहक के लिए क्रय करना चाहता है तो वह क्रय का विस्तृत ब्यौरा विपणी के कंप्यूटर को भेजता है, जिसमें प्रतिभूतियों का विवरण, मात्रा व मूल्य आदि होता है। कंप्यूटर इस विवरण के प्राप्त होने पर अपने में रिकॉर्ड करता है और सदस्य के यहां एक आदेश प्राप्ति स्लिप निकाल देता है। इसी प्रकार सदस्य अपने ग्राहक के विक्रय के लिए भी प्रतिभूतियों का विवरण, मात्रा, मूल्य व विशेष विवरण जो होता है स्कंद विपणी के कंप्यूटर को भेजता है, जहां उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिसकी स्लिप सदस्य के यहां चली आती है। इस प्रकार अनेक सदस्यों के क्रय एवं विक्रय के प्रस्ताव विपणी के कंप्यूटर में भर दिए जाते हैं। विपणी का कंप्यूटर स्वतः ही सर्वोत्तम मिलन बेस्ट मैच ढूंढकर सौदा पूरा कर देता है। यदि सर्वोत्तम मिलन नहीं मिलता तो आदेश का इंतजार कर में रखता है, यानी पेंडिंग में रखता है। यदि सदस्य ने इसके विपरीत कोई आदेश न दिया हो, इस प्रकार विपणी का व्यवहार करने का ढंग स्वचालित व्यापार मिलन प्रणाली है। इससे प्रत्येक सदस्य घर बैठे अधिकतम व्यापार कुशलतापूर्वक कर सकते हैं और इस तरह ग्राहक को सबसे उचित मूल्य मिल जाता है। भारतीय OTC विपणी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया
भारतीय ओटीसी विपणी को स्थापना 1992 में किया गया है। यह विपणी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया। इसकी स्थापना करने वाले देश के प्रमुख वित्तीय संस्थान हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, भारतीय औद्योगिक साख विनियोग निगम यानी आईसीआईसीआई, भारतीय औद्योगिक बैंक आईडीबीआई और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई, भारतीय जीवन बीमा यानी एलआईसी, भारतीय सामान्य बीमा निगम जीआईसी, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड व केन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस विपणी का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई व मुंबई में पाए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज काम करता है और इसकी क्या क्या सफलता और विफलता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या लक्षण हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।